हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो हमारे यहाँ धान की कटाई चल रही है। ये देखो हमारे यहाँ धान कटे पड़े हैं, आधे कट रहे हैं खेत में। पापा गए हैं काटन, मम्मी देखो देसी जुगाड़ अपना रहे, छत पर से धान उतर रहे हैं। और का जीना पैसे ना रहे, देखो कौन सा तरीका अपनाओ जा रहा हूँ। यहाँ एक जन ऊपर से धकिया हुए, एक जन उतारे। दोस्तों मैं जा रही हूँ अब चटनी पीसने। ये देखो हरी मिर्च रखी है, मैं चटनी पीस रही हूँ। हरी मिर्च बहुत फ़ायदा देती है, इसलिए मैंने सोचा आज हरी मिर्च की चटनी पीसती हूँ। तो मेरी चटनी पीस चुकी है। किस किस को हरी मिर्च की चटनी अच्छी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैंने हरी मिर्च की चटनी पीस चुकी हूँ, देखते हैं कितने लोगों को पसंद आती है मेरी चटनी। तो मेरी चटनी तैयार हो गई है, अब मैं इसको रखने जा रही हूँ डिब्बे में। मैंने डिब्बे में रख लिए, अब इसको खाने के साथ में लेंगे थोड़ा थोड़ा। बहुत अच्छी लगती है हरी मिर्च और लहसुन की चटनी। हमारे धान सारे छत से नीचे आ गए हैं, इस रात को ओस गिरती है इसलिए हमने पल्ली से ढक के रख दिए। ये देखो हमारे पापा धान के वो लेके आए थे पौधे, इसको धान पत्थर पर कूट के निकाले जाएंगे। और बाकी ये हरा हुआ चारा जो गाय को खाने को दिया जाएगा।